अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीदा फिन व्लॉग्स। साइबर मंडे आने वाला है 27 नवंबर तक, यानी एक माह है हमारे पास, इसके ऊपर हम कंटेंट बना सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ये वीडियो आपके लिए है। साइबर मंडे के ऊपर किस तरह से डिज़ाइंस बनाने हैं, आइडियाज़ तो आपको बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने लगा हूँ, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए कि किस तरह से आप एडोबी इलस्ट्रेटर में रहते हुए एक वैक्टर डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं, जो कि क्लाइंट को हम देंगे EPS की फॉर्म में, ताकि वो एडिट भी कर सके, कोई उसको चेंजेस करनी हो, कुछ भी करना हो तो इजीली हो जाए। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये किस तरह से स्टार्ट होगा। जी, इस वक्त मैं स्क्रीन पर हूँ और मैंने आर्टबोर्ड ले रखा है, इस मरतबा वर्टिकल, यानी कि मैं कोशिश इस बार ये करूँगा कि पहले तो स्क्वायर डिज़ाइंस बना के दिखाएँ ना आपको, अब एक वर्टिकल, जैसे कि व्हाट्सएप की स्टेटस लग जाता है, इंस्टाग्राम स्टोरी है, फेसबुक की स्टोरी लगती है, और जो है मतलब टिकटॉक पे एड्स वगैरह चलते हैं जो वर्टिकल होते हैं, ठीक है, समझ रहे ना, मतलब जो स्क्रीन वर्टिकल होती है इस तरह से, तो पूरी स्क्रीन पे फिट आ जाएगा वो एड। उसका साइज़ जो होता है नॉर्मली 1080 पिक्सल्स होता है विड्थ उसकी, ठीक है, ये आपके सामने डिज़ाइन, और उसकी हाइट होती है 1920 पिक्सल्स। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है जो कि तमाम सोशल मीडिया साइट्स की तरफ से दिया जाता है, हम इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे। अब ये क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है, अगर मैं इसी साइज़ में पिक्सल्स में रहते हुए डिज़ाइन करूँगा तो वो ऑब्वियसली बहुत छोटा बनेगा, 1 मेगापिक्सल भी तकरीबन बनेगा ये डिज़ाइन, तो हमने कोशिश करना है कि वो 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा बने। तो मैंने जो इसी प्रोपोर्शन को बड़ा करके जो है ना, मतलब इस तरह से इतना बड़ा किया है कि इसका साइज़ जो मेरे पास अब आ गया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कितना है। जी, वो आया है 3656 इसकी वेट आ रही है, ठीक है, यानी उर्दू में 3656, और हाइट जो आ रही है वो 6500 पिक्सल्स आ रही है, यानी 6500 पिक्सल्स। तो ये हो गई हमारी, ठीक है, ये हमारा एक यूँ समझ लें, लेकिन ये प्रोपोर्शनली जब छोटा होगा या बड़ा करेंगे तो ये छोटा करने पे तो 1080x1920 बन जाएगा, इस चीज़ की आपने फिक्र नहीं करनी है। तो अब ये साइज को मैं साइड पे कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैंने कुछ एलिमेंट्स पहले से ढूंढ के रखे, मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ ये क्या है। ये आपको तीन किस्म के चीज़ें दिख रही हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे इस वाले की, ये क्या है, ठीक है, ये आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ट्राइंगल्स हैं एक्चुअली, और इनको एक ऐसी मतलब ये इफेक्ट के तौर पर टेक्स्ट के एरिया में लगाया जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक एक स्पार्क का भी ये समझने के देता है कि क्योंकि साइबर मंडे इसको समझें ये क्या है, मतलब ये इसके जितने भी थीम्स आपको नज़र आएंगे ना, या तो नियॉन ग्लो या LED लाइट्स के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के ऊपर, मतलब इस तरह से, क्योंकि ये ई कॉमर्स वालों के लिए डिज़ाइन बनाया गया था, तो ये मतलब थैंक्स गिविंग के बाद जो मेरा पहला मंडे आता है ना, तो उस मंडे पे दुकानदारों की तरफ से ऑफर्स लगाई जाती हैं ख़रीदारों के लिए। तो आपको पता है जब हॉलीडेज आएंगी नवंबर के बाद, दिसंबर पूरा छुट्टियां हैं वेस्ट में, तो वो क्या करते हैं, जमा पूंजी जो पूरे साल की होती है ना उसको उजाड़ते हैं, तो वो बड़े बड़े मॉल्स में घुस जाते हैं, तो मॉल्स वाले लगाते हैं ऑफर, जिस तरह हमारे दराज वाले बहुत ऑफर्स लगाते हैं, तो इस तरह से वो अपनी जितनी भी तनख्वाह पूरे साल की जमा करते हैं वहाँ जाके उजाड़ के आ जाते हैं। तो ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ये साइबर मंडे वाली एक ऑफ़र होती है, तो इस ऑफ़र काफ़ी कंपनियां हर प्रोडक्ट के ऊपर फिर ये ऑफ़र लगती है, हर कंपनी, हज़ारों लाखों कंपनियां हैं जो मतलब अपने अपने लोकल लेवल पे जाए तो फिर ये करोड़ों में चली जाती हैं, इतनी कंपनीज हैं, तो हर कंपनी वाली कोशिश होती है कि भाई अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और जगह जगह जो है ना अपने वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह की पोस्ट, नए नए डिज़ाइन लगाए जाएँ, अट्रैक्ट किया जाए क्लाइंट को। तो हम इसी तरह का कुछ एक मिनिमल डिज़ाइन आज बनाने वाले हैं, तो ये स्पार्क ट्राइंगल वेक्टर डिज़ाइन एलिमेंट्स के नाम से आप सर्च करेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि मैं आपको ये सर्च करके दिखा देता हूँ। हम गूगल पे जाते हैं और ये मैंने सर्च किया और इमेजेस में आ जाएँ, तो इस तरह के एलिमेंट्स आपको यहाँ पे बहुत से मिल जाएंगे, आप इनमें से भी उठा सकते हैं, ठीक है, तो ये बस आपके ऊपर है क्रिएटिविटी पे, कौन सा एलिमेंट आपको अच्छा लग रहा है, इनमें से कोई ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ये, अब आपको ये सर्किट सा दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक, ये एक्चुअली में क्या है, मदरबोर्ड सर्किट टेक्नोलॉजी वेक्टर के नाम से आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको
फ्री पिक पे भी मिल सकता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं और वैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह का वेक्टर डिज़ाइंस होते हैं, आप इनमें से कोई निकाल के उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके इसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एज अ मेन सब्जेक्ट रख के आपने इसको सेल नहीं करना, इस तरह से आपको ये भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं जी, हमारे पास ये है स्पार्कल वेक्टर डिज़ाइन एलिमेंट्स है, ठीक है। ये आप ड्रॉ भी कर सकते हैं स्टार टूल के साथ, और अगर नहीं करना चाहते कुछ नई वेरिएशन देखनी है तो इसको सर्च करें गूगल पे, आप हम बहुत सारे किस्म के आ जाएंगे, ठीक है। ये इनकी किस्में ख़त्म नहीं होने वाली, नीचे जाते जाएंगे आपको नए से नया स्टार स्पार्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कोई ना कोई लेके ट्रेस कर सकते हैं इसको। तो ये तीन एलिमेंट्स मैंने आपको दिखाए, अब इनको हम रखते हैं साइड पे, जब यूज़ करना होगा हम इसको उठा लेंगे, ठीक है। तो ये एज अ बैकग्राउंड हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज़ हो, कलर स्कीम क्या रखी जाए, मैं आपके साथ जो ज़्यादातर यूज़ होती है कलर स्कीम, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये तीन किस्म की जो है मैंने आपको कलर स्कीम्स आपके सामने रखी हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट लेके इनमें से कलर पिक कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं करना, बस आपने कोशिश करना है जितना मिनिमम जो मिनिमल कलर्स आप रख सकते हैं उतना रखें, ठीक है। हम इन्हीं में से कलर पिक करेंगे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, और कंट्रास्ट नहीं बोलना आपने, ठीक है। कंट्रास्ट मतलब फ़र्क होना चाहिए, अगर बैकग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो मिक्स ना हो रहा हो, कि वो समझ ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड रखेंगे थोड़ी सी डार्क, ये मैंने ब्लू में रखी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक ब्लू की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक ब्लू है, ठीक है। तो जो सा जहाँ से आपका दिल करे, क्योंकि अभी हम कोई ऐसा रूल मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जस्ट एक कस्टमाइज्ड डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, साइबर मंडे हम टेक्स्ट लिखेंगे, और इसकी जो फॉन्ट सिलेक्शन है हम वो करते हैं यहाँ से, फॉन्ट में देखता हूँ कोई मुझे थोड़ा सा ये भी अच्छा लग रहा है। इस फॉन्ट का नाम है गैरवा हैकर क्लब बोल्ड, ठीक है। तो ये आप इसका कलर आप मुझे जाहिर सी बात है ऐसा रखना पड़ेगा, या ऐसा रखना पड़ेगा, या ये कि जो नज़र है। लेकिन अगर मैं ब्लू के ही शेड्स में देखें, अब ये कंट्रास्ट नहीं आ रहा, इसे कहता हूँ ये कंट्रास्ट नहीं है, ठीक है। डल हो रहा है, बैकग्राउंड से मर्ज हो रहा है, इतना विजिबल नहीं है। तो कंट्रास्ट देने के लिए अगर आपने कलर भी ब्लू रखना है तो इसका एक तरीका ये होता है, आप उसकी आउटलाइन को जो है ना वो बढ़ा दें और डिफरेंट कलर में रखें, ठीक है। जैसे ये अब आपको कंट्रास्ट नज़र आना शुरू हो गया होगा, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि वो बैकग्राउंड है उसको फिर हमें थिंक करना पड़ेगा, और उसके भी शेड्स, ठीक है। इस तरह से आपको ये कलर्स के साथ खेलना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज़ निकलेगी। तो अभी जस्ट मैं आपको इस जो अवेलेबल कलर्स हैं इसी में से कुछ करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ये इफेक्ट थे स्पार्कल वाले, और ये ट्राइंगल इफेक्ट थे, हम इसको ला के यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रख दिया है। इनका कलर मैं कुछ डिफरेंट कर देता हूँ, मैजेंटा कर देते हैं, ठीक है। और सेल का भी मेंशन करना है। अच्छा, एक जैसा सिमिलर फॉर्म नहीं रखना, अब फॉर्म चेंज करेंगे। ब्राइट फेस को हम थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल पे लाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सेरिफ फॉन्ट्स में से निकालता हूँ कोई अच्छा सा। अब ये जो बैकग्राउंड है इस पर हमें ये चिप को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। हम एक लेयर बैक पे जाते हैं, इस चिप का कलर अब हम वो रखेंगे क्योंकि हमें ये ज़्यादा दिखानी नहीं है, नुमाया नहीं करनी, तो मैं वो तो बैकग्राउंड से मिलते जुलते कलर में लगा रहा हूँ, ठीक है। ताकि कि बैकग्राउंड में हल्की सी बस ये दिखे, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा वो ना हो, रीडेबिलिटी में इशू ना आए, मेरा तो यही इसमें है।
अभी इसको और कम करना पड़ेगा, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो पेस्ट्री में ठीक कर रहा हूँ, अब देखते हैं। अब जाके मुझे कुछ लग रहा है कि बैकग्राउंड पे है बट फील नहीं हो रहा है भी, और ज़्यादा फील भी नहीं हो रहा। अदरवाइज आप वाइट कलर लें और उसकी ओपेसिटी कर दें फाइव, तब भी चले मतलब एक बैकग्राउंड पे दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर आप शॉप नाउ का कोई बटन ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेसमेंट वगैरह अगर आप ऊपर नीचे करना चाहें, अच्छा मैंने फोकस किया है थोड़ा सा स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिर्फ इतना अगर क्रॉप भी हो जाता है ना मेरा डिज़ाइन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इन केस अगर डिज़ाइन क्रॉप करना भी पड़े, मेरी कोशिश होगी कि मेरा डिज़ाइन ना कहीं जाए। ठीक है, यानी कि मैं इस सारे को ऊपर ले आता हूँ ऐसे। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ आ गई, ये जो मैंने टेक्निक लगाई है कि इन केस अगर परफेक्ट स्क्वायर भी कोई क्रॉप करेगा ना इसका, तो फिर भी डिज़ाइन कंप्लीट रहेगा, ऐसे कोई चीज़ इसमें जाएगी नहीं। अब ऊपर नीचे मैंने एक स्पेस छोड़ी हुई है, उसमें मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि कुछ मोबाइल्स में वो स्पेस क्रॉप हो जाती है। तो ये इस तरह से मतलब एक आपको मैंने बना के दिखा दिया। अब इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं, एक डिज़ाइन ये बन गया, दूसरे डिज़ाइन में आप कलर चेंज कर लें। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड आप दूसरे में कर लें भी, ऐसे ये कर लें, टेक्स्ट उसमें आप कर लें ब्लू। ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है। ये आपने देख लिया होगा कि थोड़ी सी वेरिएशंस लगा के मैंने डिज़ाइन चेंज कर दिया। अब आप इसकी और भी वेरिएशन बना सकते हैं, एक बैकग्राउंड मैजेंटा कर दें। ठीक है, इस तरह कलर्स के साथ खेल सकते हैं, थोड़े नियॉन कलर भी रख सकते हैं, ग्लो कलर्स एलईडी वाले। ठीक है, तो मैं आपको ये साथ साथ नीचे डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ, ये इनको देखें, गौर करें ये किस तरह से बने हुए हैं। इसमें बहुत सी वेरिएशन है, आपको आइडियाज़ भी मिल सकते हैं, पिंटरेस्ट से भी मिल सकते हैं, एडोब स्टॉक पे चले जाएं, वहाँ से आइडियाज़ ले लें, शटरस्टॉक की अपनी वेबसाइट से ले सकते हैं आइडियाज़, और आप मतलब किसी भी ऑनलाइन स्टॉक वेबसाइट से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। बट उनको डिटो कॉपी करके नहीं भेज देना, कोशिश करना उसमें वेरिएशन लाएं, कुछ चेंज करें। अगर आप बिगनर हैं तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत आसान है, आप किसी का डिज़ाइन पीछे रखें, उसको ट्रेस करके चेक करें कि आपकी मतलब एबिलिटी, आपकी जो काम करने की है ना स्पीड, थोड़ी ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पे हैं या मीडियम लेवल पे हैं, तो फिर आप कॉपी करने से गुरेज करें, आप खुद से कुछ चीज़ें जनरेट करें, तो वो आपके लिए ज़रा अच्छा रहेगा। तो ये अब हमने डिज़ाइन बना लिया है, तो मैं इसको चेक करता हूँ एक डिज़ाइन, तो यहाँ से मैं इसके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल, अच्छा ये नीचे कुछ एलिमेंट्स रह गए हैं अभी हमने ऐड नहीं किए थे, आखिर ये भी कर ही लेते हैं चलिए। ठीक है, ये एलिमेंट गुस्सा ना करते हैं क्योंकि हमने ट्राया था तो इस्तेमाल नहीं किया। चलिए, ये भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है वाइट कलर। ठीक है, मैं बाकी फालतू एलिमेंट्स को डिलीट कर रहा हूँ, कोई चीज़ रह ना जाए दाएं बाएं। अब इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल ए, और टाइप में जाके क्रिएट आउटलाइन, बाकी इसको सेव एज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ, ई पी एस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यूज़ आर्टबोर्ड कर लेंगे, सेव, और यहाँ से वर्जन 10। ठीक है, ये हमारी फाइल हो रही है सेव। अच्छा जी, फाइल सेव हो जाए तो उसके बाद आपने शटरस्टॉक पे आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे ऐड का बटन है, अपलोड मीडिया कर दें। उसके बाद आपका यहाँ से फाइल है वो सिलेक्ट करनी है, आपने फाइल जहाँ भी सेव की होगी उसको आपने ड्रैग करना है और यहाँ पे ले आना है। ठीक है, तो ये फाइल अपलोड हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी तो ये रेड बटन एक्टिव हो जाता है, नेक्स्ट का इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप सबमिट कंटेंट के मेन्यू में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी ईपीएस फाइल थोड़ा सा 5, 10 या 30 सेकेंड तक टाइम ले सकती है, क्योंकि वो प्रोसेस करते हैं आपकी फ़ाइल को, चेक कर रहे होते हैं कि इसमें कोई चीज़ का इशू तो नहीं है, कोई लाइव फॉर्म तो नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट्स तो नहीं लगे हुए, कोई बिटमैप तो नहीं है आपकी फ़ाइल में, कोई लेयर लॉक तो नहीं है, मतलब इस तरह की चीज़ें टेक्निकली वो देख रहे होते हैं।
तो जब वो ओके हो जाती है तो वो आपकी फाइल यहाँ पर उसी टाइम शो हो जाती है। उतनी देर हम शटर स्टॉक पे आ जाते हैं और साइबर मंडे का डिस्क्रिप्शन कोई अच्छा सा निकाल के रख लेते हैं। हम यहाँ पे यूँ कर रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए टेक्निक बता रहा हूँ जो लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं, खुद से नहीं सेंटेंस बना सकते। जब से बात है वेस्टर्न टर्म्स हैं, अक्सर तो पहली बार सुनी होती हैं लोगों ने, तो पता नहीं होता रिलेटेड टैग्स जो होते हैं उनका आइडिया नहीं होता वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम एक सर्च कर लेते हैं साइबर मंडे, ठीक है। तो वेक्टर का लगा के मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। मैं यहाँ पर कोई से सिंपल सिंपल से दो तीन डिज़ाइन निकाल लेता हूँ और हम क्या करेंगे उसके टैग्स, उसके कीवर्ड देखेंगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन देखेंगे क्या यूज़ की। अच्छा, आपका डिज़ाइन यहाँ पर आ गया, इस पर जस्ट क्लिक करें तो आपके राइट साइड पे इसका मेटा डाटा का एक फॉर्म आ जाता है। सबसे पहली ऑप्शन, क्योंकि EPS फाइल है, वेक्टर फाइल है, वो लॉक्ड है इलस्ट्रेशन पे, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यूजेज पे आ जाते हैं तो हमने इसका कमर्शियल यूज़ रखना है, क्योंकि मैंने कोई इसमें कॉपीराइट लोगो यूज़ नहीं किया, सारे कंटेंट डिटेल खुद से बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। चले, अब मैंने तीन डिज़ाइन निकाले थे, पहले की डिस्क्रिप्शन है साइबर मंडे सेल बैनर टेम्पलेट फॉर बिजनेस प्रमोशन वेक्टर इलस्ट्रेशन, सेकेंड की है साइबर मंडे बाइनरी बैकग्राउंड एनुअल सेल इलस्ट्रेशन, और थर्ड की है साइबर मंडे प्रमोशन बैनर पोस्टर टेम्पलेट वेक्टर। मुझे पहला ही अच्छा लग रहा था, हम मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, ये भी रखते हैं और इसको भी ले आते हैं। लेकिन हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मंडे का एम्बल साइबर मंडे वर्टिकल सेल बैनर, ठीक है। अब क्योंकि कमर्शियल सबमिट कर रहे हैं हम, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इंस्टाग्राम फेसबुक तो किसी का नाम नहीं लिख सकते, ना ही टैग्स में देना। आपने ये नहीं बताना कि ये व्हाट्सएप की स्टोरी का है, कुछ नहीं जिक्र करना, सिर्फ वर्टिकल सेल बैनर या सेल पोस्टर लिख सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट फॉर बिजनेस प्रमोशन वेक्टर इलस्ट्रेशन, ठीक है। इस तरह से आप लिखें, आपने जहां कमर्शियल सबमिशन दे रहे हैं और आपने किसी कंपनी का नाम दे दिया जो कि रजिस्टर्ड है, तो आपकी एंट्री नहीं होगी, वो रिजेक्ट कर देंगे, वो कहेंगे कि आपका तो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वो एडिटोरियल नहीं है, ठीक है, तो ये इशू आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको नाम भी लिखूँ, जाहिर सी बात है लोग तो यही सर्च कर रहे होंगे इंस्टाग्राम स्टोरी टेम्पलेट, ऐसी सूरत में क्या करते हैं लोग, वो फिर अपने डिज़ाइन को एडिटोरियल सबमिट कर देते हैं और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से लिखते जाते हैं, टैग्स में भी इंस्टाग्राम ट्विटर सब कुछ लिखेंगे, लेकिन सेल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेल तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी आदत है मैं कमर्शियल ही रखता हूँ तो कमर्शियल ही जाने देता हूँ, लेकिन इस बार चलें आपकी दिल रखने के लिए कि आप यहाँ कहेंगे सर आप खुद जो ऐसे कर रहे हैं तो फिर हमें भी क्यों मना करते हैं, आज हम एडिटोरियल ही कर देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का आएगा फर्क, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम वर्टिकल सेल, ठीक है, और इधर से भी मैं इसको बिजनेस फाइनेंस करता हूँ और सेकंड कैटेगरी में मैं इसको एजुकेशन कर देता हूँ, ठीक है, और लोकेशन मैं यूनाइटेड स्टेट्स की दे देता हूँ। अब यहाँ पर हम कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो कीवर्ड्स में हमने इंस्टाग्राम का भी लिखना है, जाहिर सी बात है। अच्छा, टाइटल में एक चीज़ हम मिस कर गए हैं, वो ये कि जिस दिन आपने ये डिज़ाइन बनाया होगा ना, वो डेट और सिटी का नाम लिखना पड़ता है। तो आज जिस दिन मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ 28 अक्टूबर है, ठीक है, और साथ में सिटी का नेम और कंट्री का नेम, ठीक है, ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है बस इतनी सी। जब भी कभी आप एडिटोरियल में कंटेंट अपलोड करने लगे ना कोई सा भी, तो ये अपने या तो इसको आप स्टार्टिंग में लिख लें टाइटल के, या इधर लास्ट में लिख लें, तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, कीवर्ड्स मैं खुद सर्च करूँगा कि इंस्टाग्राम स्टोरी साइबर मंडे, मैंने सर्च किया है, मेरे पास काफ़ी डिज़ाइन आ गए हैं, साइबर मंडे वाला कोई नहीं आ रहा। अगर हमें इंस्टाग्राम स्टोरी के चाहिए टैग्स, तो स्टोरी ले लेंगे हम यहाँ से, मार्केट मार्केटिंग सेल्स साइबर मंडे टिकटॉक स्टोरीज, फेसबुक ले लेंगे हम शॉपिंग बिजनेस कम्युनिकेशन फ्राइडे स्ट्रीमिंग ब्लैक फ्राइडे इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम स्टोरीज, कमर्शियल, फ्रेंड, टेम्पलेट, ठीक है, डिस्काउंट, बाय, मेगा, कूपन, सोशल, बैनर, कुछ 25 मैंने इस तरह के ले लिए जो कि स्टोरी से रिलेटेड थे और एप्स के नाम से रिलेटेड थे। अब हमने साइबर मंडे के भी लगाने हैं ना, तो साइबर मंडे के भी सर्च करने हैं। साइबर मंडे के कुछ डिजाइन आए हैं, मैं कोई से 3 सिलेक्ट करूंगा जी। अब मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं, इनमें से मैं ऐड कर लेता हूँ हॉलीडे, ई शॉपिंग, कॉटन, जी 50 हो गए हैं, ठीक है। 50 होने के बाद फाइल पे भी ब्लू टिक आ गया है और मेरे ख्याल है बाकी चीज़ें ठीक हैं। बस एक बार देख लिया करें, जब भी एडिटोरियल पे आपने क्लिक किया हो यहाँ पे ये 5 चीज़ें लाजमी लिखी हों, तारीख, महीना, साल और शहर का नाम और मुल्क का नाम, ये 5 चीज़ें आपने जिस दिन वो तस्वीर या डिज़ाइन बनाया होगा उस दिन की देनी होगी। ये चीज़ हो गई और बस इसको आपने सबमिट कर देना, ठीक है। तो सबमिट का बटन दबाते ही ये फाइल एज यूजुअल पेंडिंग में चली जाती है और पेंडिंग में जाके आप देख सकते हैं ये आपकी फाइल यहाँ पर नज़र आ रही होगी और साथ में पैगाम भी लिखा होगा कि 5 दिन लगेंगे मैक्सिमम। तो फिर आपने बस वेट करना है और कुछ नहीं करना। और बस ये वीडियो में उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी या तो कमेंट में पूछ लें या फिर ये मैं ऊपर इंस्टाग्राम का अपना आईडी मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ आके आप पूछ सकते हैं, पूछा करें, सवाल पूछेंगे ही नहीं तो फिर उसका जवाब कैसे आएगा। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैं खुद स्किप कर जाता हूँ या माइंड जिस तवातुर से चल रहा होता हूँ चीज़ें रह जाती हैं, पता नहीं चलता, मेरा ध्यान मतलब बढ़ जाता है या कोई एक चीज़ बताते बताते कोई चीज़ रह जाती है। तो आप भी पूछ लिया करें अगर आपको लगता है कोई चीज़ रह गई है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको बताने की। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में मेरा नाम लिख दें, वलीद आरफीन, तो इससे पता चल जाएगा चले आप यहाँ तक आए थे, देख रहे थे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वीडियोस ज्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।